हाय एवरीवन, मेरा चैनल का नाम है लवली मदर्स और मैं अपने चैनल में आप सब लोगों को स्वागत करती हूँ। सो बेसिकली ये चैनल है मदर्स लोगों के लिए, जो मदर्स तो ऐसे हम लोगों को अपने मदर्स स्किल के बारे में सब कुछ पता ही होता है, जैसे कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है, बच्चे को कैसे अच्छी आदतें सिखानी है, बच्चे को कैसे दुनिया वालों से सर्वाइव करना सिखाना है। तो हम लोगों को तो सब स्किल पता ही होता है, माओ को दूसरी कोई स्किल्स की ज़रूरत होती नहीं है, वो खुद अपनी स्किल्स बना लेती है। एक्चुअली हर माँ अनमोल है, अनोखा है। तो मेरी चैनल है कि मैं अपनी कुछ शेयरिंग बताऊँ मदर्स के बारे में, और आप जो जितने सारे मदर्स हैं वो अपनी शेयरिंग मुझे शेयर अपनी जो अनुभव है, अपनी जो एक्सपीरियंस है, तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो माँ, वैसे तो हर माँ एक जैसी ही होती है, तो मैं एक टीचर हूँ तो मुझे पता है जो बच्चे क्लास में होते हैं तो जब वो लोग बात करते हैं कि पता है कल मेरी माँ मुझे डांट रही थी, तो ऐसे ऐसे बोल के डांट रही थी, तो दूसरे बच्चे ये बोलते हैं अरे ये वर्ड तो मेरी माँ भी बोलती है। मतलब कि हर माँ मतलब सेम ही होता है, कुछ गिने चुने डायलॉग है जो हर माँ अपने बच्चे को बोलती है। वैसे तो ये स्ट्रगल नहीं है हम लोगों की माँओं के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत खुशी से ये बच्चे के जो काम है ये खुशी से हम बच्चे पालते हैं, खुशी से करते हैं। तो हर माँओं को कुछ ना कुछ चीज़ें पता होती है अपने बारे बच्चे के बारे में। एक्चुअली माँ को ही सबसे ज़्यादा पता होते हैं बच्चे के बारे में कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है। लेकिन बच्चे की कुछ साइकोलॉजिकल बातें हैं जो मैं चाहती हूँ आप लोगों से शेयर करने, ताकि एक थोड़ा सा आप लोगों को भी साइकोलॉजी के बारे में पता हो कि अपने बच्चे की साइकोलॉजी को आप कैसे रीड कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे सीखते हैं दो टाइप से, ठीक है, एक होता है डिस्कवरी लर्निंग और दूसरा होता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविटीज। तो वो जो पहले जो होता है डिस्कवरी लर्निंग, उससे क्या होता है बच्चे जो है हर चीज़ को जब बड़ा होने लगते हैं, मतलब कि एक साल या डेढ़ साल में, तो बच्चे हर चीज़ को मतलब कि डिस्कवर करता है, हर चीज़ को देख के वो सवाल करता है। और कभी कभी तो बच्चे इतने सारे सवाल करते हैं कि हम माँ मतलब कि वो इरीटेट होकर उन लोगों को डांट देते हैं। लेकिन इसके बाद आप मत डांटिएगा अपने बच्चों को, आप ये समझ के खुश हो जाएगा क्योंकि आपके बच्चे इंटेलिजेंट है, एक्चुअली उनको अपना ज्ञान कलेक्ट कर रहा है, वो अपना नॉलेज कलेक्ट कर रहा है। वो आपका बच्चा एक्चुअली में इंटेलिजेंट है, तो आप मतलब कि बहुत सौभाग्यशाली है कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा पूछ रहा है, आपके बच्चे की ब्रेन में वो आ रहा है बात, तो पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कर लीजिएगा और देखिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके उनके सवाल की जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होता है, उसका ब्रेन का जो ग्रोथ है वो डेवलप होता है। और दूसरे स्टेज पे जब आता है तो बच्चे कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसका मतलब है कि वो हर स्टेज पे जाके वो सीखता है, हर चीज़ को वो एक्सपीरियंस करता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप उसको जितना भी बोलिएगा कि गर्म चीज़ से दूर रहो, लेकिन वो दूर नहीं रहेगा, वो छूने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको थोड़ी पता है, वो अभी अभी दुनिया में आया है, उसको थोड़ी पता है कि गर्म क्या होता है। लेकिन जब वो गर्म चीज़ को टच कर लेगा, फिर आप जितना भी बोलिए वो गर्म चीज़ से दूर भागेगा। तो ये होता है एक कि बच्चे अपनी एक्सपीरियंस से वो नॉलेज गेन करता है। तो एक्सपीरियंस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक्सपीरियंस उसके लिए जितना हो सके वो नॉलेज वाला एक्सपीरियंस हो, वो अच्छा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। इसमें बच्चे क्या होता है, जैसे कि ये चीज़ भी एक्सपीरियंस करता है कि अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं हो या फिर आपके आसपास में कोई चिड़चिड़ा रहता हो, कोई झगड़ता हो, तो वो भी बच्चे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। वो स्पॉन्ज की तरह होते हैं, जो भी मतलब कि वो देखता है वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है उसके दिल में। तो आप ये देखिएगा, आपको ध्यान देना होगा कि आप जो है उसको सिर्फ अच्छा चीज़ें ही दे एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये होता है, लेकिन बच्चे बहुत शरारती होता है इस टाइम में, तो उसको ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी बच्चे को हम डांट देते हैं, और जब हम डांट देते हैं बच्चे को तो सबसे ज़्यादा दुख हम माँ को ही होता है। जब वो सो जाता है उसका मासूम चेहरा देख के सबसे ज़्यादा रोना हम लोग ही आता है। तो आपको भी अगर ऐसा फील होता हो, आई एम श्योर सबको होता है, लेकिन आपको भी अगर ऐसा फील होता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बस यही, मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। और इसके और भी सारे स्टेजेस हैं, जैसे कि मैंने दो स्टेजेस के बारे में बोला, तो वैसे बहुत सारे स्टेजेस हैं, और भी तीन स्टेजेस हैं, वो मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। और एक्चुअली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो थोड़ा सा हिंदी का प्रॉब्लम है, सो माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। सब लोग अच्छे रहिए, हर माओ को मेरी दुआ है कि आपके बच्चे अच्छे रहे। एंड
थैंक यू।